फ्रेंड्स, आज भी मेरे पास भाई आपके लिए यूट्यूब से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिग बॉस OTT 3 के जो रनर अप रहे हैं नेजी द वन भाई, वो इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं और बहुत कुछ शेयर करते हैं बिग बॉस के बारे में, सना मकबूल के बारे में, लव कटारिया के बारे में, अरमान मलिक के बारे में। और जब वो लाइव आते हैं अपने इंस्टाग्राम पे पहली बार, तो भाई उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है और उनकी जो लाइव वॉचिंग है काफ़ी ऊपर तक चली जाती है। तो देखते हैं भाई क्या बोलते हैं नेजी द वन। सबसे पहले मैं आपको मिलता हूँ उसके बाद। ढेर सारा प्यार नेजी द बा इन द हाउस बॉय, बिग बॉस OTT सीजन 3 में फुल मचाते हुए अपना सीजन, अपनी जर्नी कुछ ऐसी रही कि शुरुआत में मैं घबराया, मैंने सोचा कि मेरा दोस्त बन पाएगा कि नहीं कोई, सबका अलग अलग वाइब था, कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा था, मैं अकेला रहता था, चुपचाप रहता था, शांत रहता था, जब कुछ काम रहता था, जब कुछ अच्छा बोलने का रहता था, जब ज़रूरत रहती थी कभी चुप रहता था कभी बोलता था, मेरे मन में जो आया मैं किया, जैसा रहने का था रहा, पब्लिक ने बहुत एलिगेशंस लगाई, मीम्स बनाई, तो अपन पब्लिक को हंसाने के लिए बैठे भाई। पब्लिक अगर अपने से खुश हो रही है, उन लोगों को मज़ा आ रहा है, उन लोग अगर इन्जॉय कर रहे हैं, तो अपना काम ही है एंटरटेनमेंट का, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा खौफ में रहने का, अल्लाह से डरने का, अपने काम हमेशा नेक दिल से, साफ नीयत से रखने का, करने का। मेरी नीयत साफ थी, मैं यहाँ तक पहुँचा, लोगों का दिल जीता, मेरे लिए यही एक विनिंग मोमेंट है। और मुझे कुछ इज्जत दी गई, मुझे इतने आगे तक गेम में, शो में लोगों ने रखा, इन स्पाइट ऑफ नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन गॉसिप्स और झगड़े लड़ाई और यू नो घर के बारे में बात करना, ये सब तो मैंने किया ही नहीं। मैं तो अंदर कुछ और मकसद से गया था और उस मकसद में मैं काफ़ी कामयाब हुआ हूँ। मुझे रिप्रेजेंट करना था अपने हुड को, अपनी फैमिली को, अपने देश को, और एक ऐसी पर्सनालिटी का इजहार करने का था जो बहुत रियल और ओरिजिनल है, जेन्युइन है। तो मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा शांत भी रहा, मैं यूजुअली बहुत काम नहीं रहता हूँ, कूल नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अंदर मैं थोड़ा अलग था, मैं थोड़ा लेड बैक वे में काम कर रहा था, थोड़ा धैर्य से, थोड़ी शांति से। तो मैंने अपना वक्त ऐसे बिताया, मैंने खाना बनाया, लोगों को बहुत पसंद आया, लोगों को मेरे हाथ का टेस्ट पसंद आया, मुझे नई नई चीज़ सीखने को मिली, मुझे पता चला दोस्ती कैसी होती है, रिलेशंस कैसे होते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में कि कौन कब कैसे पलट सकता है, कौन अपना साथ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, ट्रस्ट के बारे में, फेथ के बारे में, प्यार के बारे में, दोस्ती के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला। बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा मेरा, सबसे अलग, समझ रहे हो, दूसरे लोग कुछ और कर रहे थे, मैं कुछ और कर रहा था। तो मैं फटे ट्रिप व्रिप भी कर रहा हूँ, आसमानों में देख रहा हूँ, लोगों को टाइम टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ, करेक्ट टाइम बता रहा हूँ, अपने जोन में हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, सना सुल्तान के साथ रैप कर रहा हूँ, सना मकबूल के साथ रैप कर रहा हूँ, विशाल, लवकेश, शिवानी के साथ मेरी टसन चालू है, वो मुझ पर हंस रही है, मैं उसकी फिल्म ले रहा हूँ, अदनान भाई आए, अदनान भाई के साथ फुल मचाया, अरमान भाई पे थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा उनको इज्जत भी दी, और बाकी सबके साथ भी मैं अच्छे से रहा। रणवीर भाई अपने मुझे बाबा बोलते, इतनी रिस्पेक्ट करते, इतना टैलेंटेड समझते, उन्होंने इतना कुछ मुझे समझाया, सिखाया, मेरे साथ रहे, पूरा वक्त मेरे साथ रहे, आखिर तक उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, बहुत अच्छी जर्नी रही। आई लव यू गाइस। नया गाना बहुत जल्द आने वाला है, मचाते फिर क्या। फ्रेंड्स, बिग बॉस के बाद पहली बार लाइव आते हैं नेजी द वन, और क्या कहते हैं आपने देख लिया, वो आपकी क्या रहे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ जो कि है एल्विस यादव और मनीषा रानी से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आपको पता होगा भाई मनीषा रानी और एल्विस यादव ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पर। काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया जा रहा था कि भाई मनीषा रानी केवल फॉलोअर बढ़ाने के लिए ये सब उसने किया है, पर अब जब है ठगेज के वो चैनल पे आते हैं लफड़ा सेंटर पर, वहाँ पे ठगेज जो है उनसे भाई ये क्वेश्चन डायरेक्टली कर देते हैं, क्या आपने एल्विस यादव को जो अनफॉलो किया था, क्या वो सिर्फ एक पब्लिक स्टंट था या फिर अपने फॉलोअर को गेन करने के लिए आपने ये सब किया था। तो क्या रिप्लाई करती है मनीषा रानी ठगेज का, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। मनीषा ने हाइप पाने के लिए एल्विस को अनफॉलो किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कैसे बताया, सबको लगेगा ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि मेरा जो होता है, हम जो फील करते हैं, अगर मुझे भले आज हम सोशल मीडिया में हो गए, आ गए, फेमस हो गए, नाम मिल गया, लेकिन पहले भी हम बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। जैसे कभी कभी हम कुछ सैड स्टेटस भी लगाते थे, कुछ तो लोग को लगता है यार
कुछ लोग मेरे जो खुद के लोग हैं वो हमको समझाते कि अब तुम मनीषा रानी बन गई, अब तुम ये मत करो, तुम नॉर्मल लड़की नहीं रही, बट हम बोलते यार मेरा ना हर दो दिन में दिल टूटता है, फिर हम खुश होते हैं, फिर हम हैप्पी होते हैं, तो हम हमेशा ऐसे लगाते हैं। और आज हम इतना अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि हम सोच सोच के हर काम करना पड़ता है, मेरे से इतना सोच के नहीं होता, हमको जो होता है तो हो जाता है, जो बोलना होता है बोल देते, जिसको जो सोचना है सोचे, इतना दुनिया के बारे में नहीं सोचते। तो एल्विश के साथ जो भी था, जो भी हुआ, चाहे दोस्ती में जो शायद उसकी तरफ से मेरी तरफ से, ऐसा कुछ हाइप का कोई सीन ही नहीं था, बस ये है कि अभी वो भी फेमस, हम भी फेमस, हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका बात बन जाता है, चर्चा होता है, अदरवाइज बस ऐसे ही जो था, ऐसे हाइप के लिए कुछ नहीं किया। फ्रेंड्स, तो मनीषा रानी सीधा यहाँ पे डिनाई कर देती है और बोलती है कि भी ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने फॉलोवर के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हम बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ, जो कि है भाई आसिम रियाज से रिलेटेड, क्योंकि इजाज़ खान यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आसिम रियाज को। आपको पता होगा भाई आसिम रियाज जो कि आपने बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला वाले शो में उन्हें ज़रूर देखा होगा, पर अब उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी, जहाँ पे रोहित शेट्टी होस्ट करते हैं और उनके ऑनर भी है उस शो के। रोहित शेट्टी अपने शो खतरों से खिलाड़ी से बाहर कर देते हैं आसिम रियाज को। अब आसिम रियाज के सपोर्ट में आ चुके हैं एजाज खान और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि एजाज खान ने रोहित शेट्टी को बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे रोस्ट किया है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। पसंद नहीं है उसमें थोड़ा सा, मैंने उसको बहुत हेल्प किया, आपने देखा होगा, मैं उसको बहुत सपोर्ट किया, कोई बात नहीं, लेकिन आई थिंक उसको भले ही वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बात जहाँ सच की होगी मैं सच बोलूंगा। रोहित सर को एज अ कोच ये नहीं बोलना चाहिए था कि तेरे को उठा के पटक दूंगा मैं। रोहित सर की मिस्टेक है, रोहित सर आई एम सो सॉरी, बट आपकी ये मिस्टेक है कि पहले गुंडागिरी आपने ही शुरू की, फिर वो उसका भी गुंडा जाग गया, आप भी गुंडे वो भी गुंडा। वैसे रोहित सर एक खतरों के खिलाड़ी में आपने मुझसे वादा किया था, याद है कि नहीं? याद है, अब तो वादे के बड़े पक्के हो एजाज, तू बहुत अच्छा एक्टर है, तुझे मैं बहुत बढ़िया रोल दूंगा, वो शायद गूगल पे न्यूज भी होगी, आप लोग काट के डाल देना उसमें, पर आप अभी तक वादा सर ठीक है, वैसे भी अब सिंगम 10 तक तो बनेंगी नहीं, 1, 2, 3 बस हो गई अभी, चौथी कोई बात नहीं सर, अब तो मैं खुद भी डायरेक्टर बन गया हूँ, आ रहा हूँ मैं भी, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों से मैं ऐसे ही लड़ू। फ्रेंड्स, तो क्या कुछ कहना है आपका भाई, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे रोहित शेट्टी आपको सही लगते हैं, एजाज खान सही लगते हैं, या फिर आसिम रियाज आपको सही लगते हैं, कमेंट्स ज़रूर करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में।